पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत सहरावत ने उत्तम विधानसभा में बीजेपी उत्तराखंड प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में शामिल वो हुई और इसी कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दिए। इसी मौके पर उत्तराखंड समाज की बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे। इस मौके पर कमलजीत सहरावत ने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली में विकास कार्य की बड़ी संख्या में और सौगात दी है और ये भी कहा कि आज दिल्ली से उत्तराखंड जाना बेहद आसान हो गया है। सहरावत ने आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर भी आम आदमी पार्टी पर खूब जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल को इसी मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ देनी चाहिए। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए जरा। दिल्ली की बीजेपी की प्रत्याशी कमलजीत सहरावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज उत्तराखंड समाज के बीच में आप अपनी जनसभा को संबोधित कर रही हैं। उत्तराखंड समाज दिल्ली में अगर बात करें तो सभी लोकसभाओं में प्रमुख भूमिका में रहता है, आपकी लोकसभा में भी काफी बड़ी संख्या में मौजूद है, किस तरह से इसे देखते हैं? उत्तराखंड समाज भी दिल्ली के जैसा आपने कहा सभी क्षेत्रों में पाया जाता है और पश्चिमी लोकसभा में भी उत्तराखंड के काफी लोग हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि उत्तराखंड के लोग मकर संक्रांति और जो अपने त्योहार उनको जब मनाने लगे तो हमें भी उत्तराखंड के बारे में काफी जानकारी मिली और इनके त्योहारों में हम भी पहाड़ों की जो मतलब ठंडी हवा है उसको महसूस कर पाते हैं। मैम, थोड़ी राजनीति से जुड़ी बात कर लेते हैं। स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर लगातार जो प्रकरण है वो बढ़ता जा रहा है। आज पुलिस ने ना सिर्फ FIR दर्ज करी है बल्कि सीन रिक्रिएट किया है। उन्हें लेकर गई थी सीएम आवास पर, 40 मिनट तक पुलिस वहां रही और पूरी तरह से डिटेल में जानने की कोशिश करी कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा। देखिए, बहुत शर्मनाक है। दिल्ली की एक ऐसी महिला आयोग की जो पहले अध्यक्ष थी, आजकल सांसद है, उनके साथ मुख्यमंत्री जी के घर पर अगर ऐसी घटना होती है तो मुझे लगता है इससे शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। और वो महिला जो पूरी दिल्ली में उनके लिए दौड़ रही थी और जो उनके साथ खड़ी रही, जिस समय कोई उनके साथ नहीं खड़ा था उस समय उसने उनका साथ दिया है, तो आज पता नहीं केजरीवाल जी किस घमंड में है और क्या उनके दिमाग में है कि वो अपनी पार्टी के सदस्यों को अपमानित कर रहे हैं। लेकिन आतिशी का बयान सामने आया है, जो कि मंत्री हैं, महिला मंत्री हैं, और वो पूरी तरह से इस प्रकरण को लेकर कह रही हैं कि झूठ कहा गया है, झूठ पूरी तरह से परोसा जा रहा है स्वाति मालीवाल की तरफ से। आतिशी जब कुछ दिन बाद बयान देगी तो आतिशी जी को पता चल जाएगा। स्वाति मालीवाल एक एजुकेटेड है, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्वाति मालीवाल को हमने जितने काम करते हुए देखा है, वो जब काम करती थी तो केजरीवाल के सच्चे सिपाही के रूप में किया है। वो जब भी खड़ी हुई केजरीवाल जी के साइड में खड़ी, तो अगर आज झूठ परोसा गया है तो केजरीवाल जी को आकर खंडन करना चाहिए था। उन्हें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत है, तो वो आते ना, वे उनके जो PS हैं उनको सामने रखते, उनसे कराते और फिर जैसे बार बार सवाल पूछते हैं, किसी को कुछ कहते हैं किसी को कुछ, तो इस बात पर भी आना चाहिए था। क्यों नहीं आ रहे वो सामने, क्यों उन्होंने आतिशी को सामने किया? लगता है इस मुद्दे का असर लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपना चुनाव अपने 10 साल किए हुए कामों पर, अगले 5 साल के संकल्प पत्र पर लड़ रही है, लेकिन जनता देखती है, ये जनता है ये सब जानती है। अगर ऐसी घटना सांसद के साथ हो जाती है और मुख्यमंत्री के घर पर होती है तो अपने आप को दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस करती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रणय शर्मा, टोटल TV, दिल्ली।